हाय गाइस, मैं हूं विनय कुमार। आज मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग। नवरात्रि के अवसर पर हम अपना फोटो एडिट कैसे करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो मैं इस वीडियो में नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग लेके आया हूं। और दोस्तों मैं हर त्यौहार पे एक ऐसी फोटो एडिटिंग लेके आऊँगा, और अगर दोस्तों आप भी हर त्यौहार हर फेस्टिवल पे फोटो एडिट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, नवरात्रि फोटो स्पेशल एडिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं, इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्स आर्ट आपको दिख रहा होगा, इस पिक्स आर्ट पे क्लिक कर लेना है। पिक्स आर्ट मैंने क्लिक कर लिया, तो ये मेरा पिक्स आर्ट ओपन हो चुका है। तो ये पिक्स आर्ट ओपन हो चुका है, ये बैकग्राउंड आ चुका है। और यहाँ पर आपको जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद मैंने अपना ये फोटो है जो आपको दिख रहा होगा, ये फोटो मैंने इस फोटो को क्रॉप कर रखा है, तो आपको क्रॉप फोटो ले लेना है। जैसे मैंने ज्यादा फोटो ले लिया जिसे इसे साइड साइड से क्रॉप कर रखा था। तो दोस्तों अगर आपको क्रॉप करना नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो और उससे क्रॉप करना सीख लेना, कैसे साइड साइड का इरेज करते हैं। तो उन वीडियो को देख के आप इरेज करना सीख जाओगे। मैं इसमें इरेज करना नहीं दिखा रहा हूँ कि वीडियो लंबी बन सकती है, इसी प्रकार से मैं छोटी वीडियो तरीके से समझाऊंगा। तो ये फोटो मैंने ले लिया, फोटो लेने को इसको मैंने यहाँ पे साइड में रख लिया है, ये यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद यहाँ पे प्लस का मार्क आ रहा है, इस प्लस के मार्क पे क्लिक करा और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक कर दिया। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हवन की इमेज होगी, ये रही, इस वाली इमेज को ओपन कर लेना। ये भी मैंने ऐड कर ली और थोड़ा से बड़ा करा, और यहाँ पे इरेजर दिख रहा है, इस इरेजर पे क्लिक और इसे इरेज कर लिया। तो दोस्तों अब जल्दी से कर लेना। तो ये इरेज हो रही है। दोस्तों ये मैंने इरेज कर लिया और राइट के मार्क पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने वाले फोटो छोटे कर लेने हैं, सही से आप इरेज कर लेना। दोस्तों इधर मैं रख लेता हूँ, तो इसे दबाओ, यहाँ से यहाँ पे ले आओ, इधर यार। अब दोबारा से प्लस के मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और एक आँख होगी, आँख को भी ले आना है। ये आँख पे क्लिक, ऐड आँख को लाने के बाद यहाँ पर आएगा ब्लेंड, ब्लेंड पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आँख को इधर लगा देना है और आँख को थोड़ा छोटा कर देना है क्योंकि ज़्यादा बड़ी दिख रही है, और यहाँ पर सेट कर देना वन पे। तो इस प्रकार से आप हवन पे सेट कर देना। तो मैंने ये हवन पे सेट कर दिया। तो दोस्तों देखा कि कितनी आसानी से हमने ये फोटो एडिट कर दिया। तो इसमें कोई दिक्कत आई आपको? अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मैं आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया फोटो एडिटिंग सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों जो इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है आपको मेरे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगा, और ये हवन कुंड है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगा, और आँख जो आँख जल लिए ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगी, और आप फोटो एडिट कर पाओगे। इस प्रकार का मैंने आपको प्रॉपर बैकग्राउंड बना के दिखा दिया और बढ़िया तरीके से दिख रहा फोटो। इस फोटो को आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, यहाँ पे एक बार राइट के मार्क पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और राइट का मार्क आएगा, इस पर क्लिक कर देना, ये कट आएगा, इस पर कट क्लिक कर देना, और फिर दोबारा से यहाँ पे सेव पे क्लिक, सेव पे गैलरी पे क्लिक, ये आपका फोटो डाउनलोड हो चुका है, इसे साइड कर देना। ये मैंने साइड कर दिया, और आप अपनी गैलरी में आके इस फोटो को देख सकते हो। तो हम इस अपनी गैलरी में आके देख लेते हैं फोटो, ये रहा। तो ये हमारा फोटो ये रहा। तो देखो इतना बढ़िया हमने फोटो एडिट करा है। अगर दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं दशहरे स्पेशल पे भी इस तरह की फोटो लेकर आऊँगा, और दीपावली पे भी और बहुत बढ़िया फोटो लेकर आऊँगा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको फोटो एडिट करने के लिए। मैं आपको पहले से बना के दूंगा पूरा बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब चीज़ एडिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।